एक कदम है, ऐसे एक महत्वपूर्ण कदम जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने उठाई थी, उसके लिए हम सब तो बहुत जरूर प्रसन्न है। और कल पार्लियामेंट में जिस प्रकार कुछ लोग डायरेक्टली, कुछ लोग सभा में एब्सेंट होकर उस कानून को अपना समर्थन दिया है, उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार अच्छा काम जो मोदी जी करते हैं उसका समर्थन करते रहो। अब खुलकर नहीं कर सकते हो तो एब्सेंट रहो ना, गोला बारूद की बात क्यों करते हो, चुप रहो, आनंद से रहो। अब जो अच्छे लोग हैं वो राज्य को आके लेके आगे, लेकिन प्रॉब्लम है जो लोगों में साइकोलॉजिकल प्रेशर, 15 अगस्त के बाद क्या होगा, कभी बोलते हैं 35 से हटने वाला है, इसलिए उन्हें राशन भी 5-6 महीने तक रखो, कभी बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है उसको आप 1-2 दिन से थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ी ब्रीफ तरीके से भी जवाब नहीं आ रहा है, बोलते हैं ये डिप्लॉयमेंट है, इलेक्शन का प्रोसेस शायद होगा। यहाँ ऑलरेडी वैसे डिप्लॉयमेंट थी, जो पार्लियामेंट इलेक्शन थी वो पहले से यहाँ थी, तो लोगों में तश्वीश है, कुछ तो है। ये जो भी डर निर्माण किया जा रहा है, यहाँ के लोकल रीजनल पार्टीज के लीडर्स अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए यहाँ डर पैदा कर रहे हैं। सरकार जो भी कदम उठा रही है यहाँ की परिस्थिति के अनुरूप जो आवश्यक चीज है, जम्मू कश्मीर के अंदर, विशेषकर कश्मीर घाटी के अंदर फोर्सेस का लाना वापस ले जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ आप सबको मालूम है, जब अमरनाथ यात्रा होती है तो एक्स्ट्रा फोर्सेस आते हैं, जब नए चुनाव कराना है, जैसा भी हमको ब्लॉक लेवल पे चुनाव कराना है उसके लिए एक तरफ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, अनेक कारणों से यहाँ फोर्सेस को आना जाना होते रहता है। पर इसको किसी और चीज़ से जोड़कर लोगों को डराने का प्रयास अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, अब जैसे ही करप्शन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए सारे ड्रामा कर रहे हैं मित्रों। बाकी भारत सरकार जो उचित है वो निर्णय करेगी सब विषयों पर। क्या 35 से हट रहा है, सीधा सवाल है। जो कदम मैंने पहले ही कहा, जो कदम कानूनन उठाकर राज्य के हित होता है उस दिशा में सरकार काम करेगी। बाकी कई सारे मुद्दे अब अदालत के सामने मुद्दे है, वो अदालत में उनको फेस किया जाएगा। तमाम मुद्दे जिनका जहां स्थान है वहां चर्चा होगी ना। हर बार कोई आया तो एक ही प्रश्न पूछेंगे, हट रही है, हट रही है, किसने कहा है? नहीं, महबूबा जी कह रहे, महबूबा जी थोड़ी सरकार चला रही है। जो काम जिस समय जिसको उठाना है वो उठाएंगे, और जो भी कदम उठेगा उससे जम्मू कश्मीर की भलाई होगी। रामाधव जी, आज महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर का टूर कर रही है, शी इज गोइंग टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स राइटिंग कार्ड्स एंड द पीपल सेइंग दैट वी हैव टू कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट आर्टिकल 35A अगेंस्ट, इट्स अ वॉर लाइक सीइंग एज अगेंस्ट दिल्ली। नहीं, कोई वॉर गिर नहीं, इतना वॉर गिर की वो भाषा महबूबा जी प्रयोग कर रही है। मैंने कहा, इसलिए मैंने उत्तर दे दिया इस प्रश्न का, अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट रखने के लिए, जो खिसकता हुआ अपना पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए लोगों में डर का माहौल फैलाने का प्रयास हो रहा है। जहाँ तक हमारा एजेंट इस समय जो काम चल रहा है राज्य में, उस काम को आगे बढ़ाना है, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़नी है, असेंबली चुनाव होनी है, ये हम मांग कर इस पर बात करें ना, जनता के बीच में जाए ना इसको लेकर। क्योंकि आज कोई उनके पार्टी के लोग तो उनके मीटिंग में ही, फाउंडेशन डे में ही जाते नहीं है, तो फिर जाके लोगों को मैं बारूद उठाऊंगी, हाथ जल जाएगा, इस प्रकार डराने की भाषा फिर से शुरू कर दी है। राम माधव जी, आपको लग रहा है कि उसने काफी ना, आप तो स्वयं उसका वास्तविक चित्र आप स्वयं जानते हैं। कश्मीर घाटी के अंदर व्यापक क्षेत्र में, कुछ 1-2 जिला छोड़कर बाकी क्षेत्र में इस समय आतंकवाद पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया है। बड़ी संख्या में टेररिस्ट को सरकार और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है, और जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स है उनके ऊपर भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। अब ये तो एक दिन का बनाया हुआ समस्या नहीं है, इसको तो हम 3 दशकों से बढ़ाते गए, इसको सपोर्ट कर। आज भी भाषा देखिए, फिर से बारूद उठेगा, ये भाषा क्या है, फिर से इस राज्य में आतंक लाने की भाषा है। तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स इरेस्पॉन्सिबल बयान, इरेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस करके ये बढ़ाया है, इसको टैकल करने का अच्छा प्रयास हो रहा है, जो प्रयास हो रहा है उससे हम संतुष्ट है। मैंने इसलिए कहा, जिनको उन चीजों पर निर्णय करने का अधिकार है वो
उचित समय पर जो निर्णय करेंगे करेंगे। इन मुद्दों पर हमारा पार्टी का स्टैंड क्या है आपको दोहराना आप चाहेंगे तो मैं दोहराऊंगा, पार्टी का स्टैंड होगा वो, पर निर्णय तो पार्टी नहीं करेगी, निर्णय तो प्रधानमंत्री और सरकार करेंगे। वो जो भी निर्णय करेंगे राज्य के हित में करेंगे, आश्वासन मैं दे रहा हूँ, राज्य का हित होगा उसमें। हम सब इंडियन है, ये भी इंडिया है, फारूक अब्दुल्ला साहब भी इंडियन है। बात यह है सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई की कार्रवाई के अंतर्गत एक भाग जो होता है जिसको ईडी को हैंडल करना होता है वो शायद ईडी इस समय हैंडल कर रहे, कानूनी प्रक्रिया है। मोदी जी की सरकार कुछ भाई भतीजावाद से नहीं चलेगा, फेवरेटिज्म से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। कानूनन जो करना है वो करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को हम टारगेट कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया एक है वो चल रहा है। उत्तर तो इलेक्शन कमीशन दे पाएगी, पर हमारे पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। हमको हमारा रेड बट ऐसा ट्राइकलर हॉस्ट करने में आइडिया भी क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे के दिन ट्राइकलर हॉस्टिंग इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेट्रियाटिक इंडियन। वो तो पर क्या डिसीजन हुआ मुझे मालूम नहीं है, प्रशासन आपको बता पाएगा। तो मेन स्ट्रीम हियर, दोज हु क्लेम टू बी द मेन स्ट्रीम इन द वैली हैव नो लॉन्गर बीन द मेन स्ट्रीम हियर नाउ। So new mainstream is emerging. You have seen in the panchayat election so many new leaders have come forward. I hope they will emerge into a new force here. But see, the point is that we want more and more people to seize this opportunity and participate in the elections in big numbers. We want to see more participation in the elections. Is it a psyop to create a space for mainstream because the credibility of the pro-election parties was like genuine effort, genuine encouragement to those who have the good of the state, peace in the state, non-corrupt administration and regime in the state, those who have such noble ideas at heart should come forward and take control of the affairs in the state. Any such people, any such youngsters, any such people, we will all be happy to welcome them. Chal rahi hai, 11 August tak chalega. एक बार पूरा होने के बाद पूरा आंकड़ा देंगे। अभी तो अच्छी रिस्पांस है, अच्छी रिस्पांस है। कल तो हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब आके गए हैं, ऑलरेडी सदस्यता 1,20,000 से ऊपर हो गई है, बट अभी आधा ही हुआ ना, अनदर 10। इट इज सेलेक्टिव अगेंस्ट करप्ट पीपल, यू कांट गो एंड एंटी करप्शन कैंपेन में क्या पोलिटिकल न्यूट्रलिटी होता है क्या? नहीं, एक पीडीपी का करेंगे, एक कांग्रेस का करेंगे, ऐसा होता है क्या? दोज आर करप्ट will be handled through that anti-corruption mechanism. Even in BJP, sir? As I said, it is anti-corruption drive. It has nothing to do with parties. Vested political forces in the valley, movement of security forces personnel in this valley is a routine affair. Under some situations, more forces come here because there was Amarnath Yatra. Large forces have come into the state to maintain peace. Peaceful citizens need not worry, but the political people who have their own political interests at stake, they are the ones who are creating a fear psychosis in the valley.